क्लॉक ऐप से आप अपना फ़ोटोज़ और वीडियोस को कैसे वापस लेके आओगे। आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को अपना फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को बैकअप करना है बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लॉक ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसके यहाँ पर आपको सेट करना है 10:10, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10:10, और फिर उसके बाद यहाँ बीच में गोल सा दिख रहा है जो सुई के बगल में, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अलग इंटरफेस खुल करके आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ईमेल आईडी शो कर रहा है, तो उस ईमेल आईडी पे आपका एक पासकोड जाएगा। आपको उस पर क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल के बगल में आपको सेंड का ऑप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपका वहाँ पे आपके जीमेल आईडी पे चला जाएगा। बस 1 से 2 मिनट लगता है, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा अगर लगता है तो 10 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग भी 10 मिनट तक का वेट कर सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब अपना जीमेल आईडी ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है तुरंत, अभी जस्ट 1 मिनट में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद अंदर में आपको एक कोड होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो योर कोड का ऑप्शन ऊपर में शो कर रहा है, यहाँ पे वो एक कोड शो कर रहा होगा। उस कोड को आपको देख लेना है कि आपका कौन सा कोड है। यहाँ पे 0110 कोड है, ठीक है। तो 0110 कोड है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको देख लेना है। उसके बाद अपना क्लॉक ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए हम लोग क्लॉक ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन मत कीजिएगा, ऐसी तरह से ओपन कीजिएगा खोल के। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको ये टाइम को वैसे ही सेट करना है। कैसा था, 0110, ठीक है। तो हमको वही करेंगे, यहाँ पे 10 यहाँ पे सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। 01 इस साइड में करेंगे, 0110 हो गया। अब बीच वाले पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बीच वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, जैसे कि आपके इसमें फोटोज़ वीडियोस जो भी थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप चाहोगे इस पासवर्ड को चेंज करना तो सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके आप लोग चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो रहने भी दे सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताएं।